जनपद आगरा के थाना जगनेर के गांव मेवली में कुछ दबंगों के द्वारा रास्ते को बंद किया जा रहा था। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने लाठी डंडे लेकर गांव के ही हरिओम सत्यप्रकाश सत्यवान कलावती रेशमी देवी पर हमला बोल दिया, जिससे वह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों का मेडिकल कराने हेतु जिला अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। इन लोगों ने हमला किया था हमारे ऊपर, आम रास्ता था उसमें वो ये पत्थर रास्ते को बंद कर रहे थे, ये लोग मुड्डी गाड़ रहे थे ये लोग। इसने हमला किया हमारे ऊपर, हमारे सब पे चोट दी थी उन्होंने, कुड़ाली दी थी। हाँ जी, तो आपने रास्ते का विरोध किया था क्या? हाँ जी। कौन लोग हैं बोले? वो मुन्ना राय सिंह हनुमंत। कितने लोग थे वो? 8-10 जने थे ना वो लोग। अच्छा। हाँ जी। आपने थाने पे रिपोर्ट नहीं करी? हाँ की थी ना, ऐसा ऐसा वो सर वो पैसे की वजह से वो जोतदार है ना, हम गरीब लोग हैं। अच्छा। इसकी वजह से वो जोतदारी में ज्यादा है वो। अच्छा। हाँ सर। तो आम रास्ता रोका आपने? आम रास्ता रोका था उन्होंने। अच्छा। आपने विरोध किया इसका? हाँ जी। कौन से थाने का मामला है ये? जंगनेर थाना सत्यवान। ये चोट कैसे लगी, क्या हुआ? चोट ऐसे लगी थी, आम रास्ता था, दबंग लोग थे, हमने रास्ता रोका था, इन्होंने झगड़ा कर दिया तुरंत ही। ये मेवली गांव थाना जगनेर का ये मामला है, इसमें इन लोगों की जो चोटें आई हैं उनका मुख्य कारण ये है कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने गांव के मुख्य रास्ते पर मुड्डियां गाड़ कर उसको रोक रहे थे रास्ते को। ये जो चोटिल लोग हैं इन्होंने उसका विरोध किया, विरोध करने पे उन लोगों का पता नहीं पहले से तैयारी थी क्या थी, उन्होंने धारदार हथियारों से इनके ऊपर हमला किया और इनको चोटिल कर दिया, जिसमें गांव की इनके परिवार की कुछ महिलाएं भी हैं, उनको भी काफ़ी चोटें गंभीर आई हैं और इसकी सूचना थाने पर भी दी गई है। इसमें कुल 7 लोग हैं जिसमें महिला और ये बुजुर्ग लोग हैं।